तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरी किचन में। और मेरी किचन में कह सकता हूँ कि देखिए अपने अपने वो होते हैं शौक खाने के। आज मेरा पोहे खाने का मन है तो देख लीजिए, ये मैं गैस जला चुका हूँ, गैस जला चुका हूँ और इसमें मैं तेल डालूंगा और मैं आपको आज ऐसे पोहे बनाना सिखा रहा हूँ दोस्तों। अगर आपने, मैं कह सकता हूँ, अगर आपने कि आपने कभी नहीं खाए होंगे दूध। स्वाद की बात करता हूँ तो आपने कभी नहीं खाए होंगे और विश्वास नहीं है तो आप मेरा थोड़ा सा चैलेंज देख लीजिए। ये मैं थोड़ा सा तेल डाल रहा हूँ, ये देखिए, मुझे लगता है कि तेल ज्यादा हो गया है, तो अब मैं इस तेल को निकालूंगा। जरा सुनिएगा, वो चम्मच जरा मुझे दीजिए। मैं कह सकता हूं दोस्तों नीचे का कोई सेटअप कुछ मजा नहीं आता दोस्तों, क्या चीज दिखा रहे हैं वो चीज दिखा नहीं पाती, तो इसलिए नीचे का थोड़ा सा सेटअप ऐसा लगता है थोड़ा सा। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये कढ़ाई मेरी हो गई है और मैं थोड़ा सा तेल इसमें कम कर रहा हूं। क्यों? ओ माय डियर जानू, वो कहाँ है? वो क्या कहते हैं उसको, तेज पत्ता है। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों आज मैं कहना चाहूंगा मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे बढ़ते जा रहे हैं, उठाइए जरा, बहुत अच्छे बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको कह सकता हूँ, एक मेरी छोटी बहन है जिनका नाम मानसी है, उनकी फरमाइश थी कि आप कुछ खाने की वीडियो बनाया कीजिए, तो मैं उनके लिए आज बता रहा हूँ पोहे बनाना उनके लिए बता रहा हूँ। आपका भाई का वादा है, देखिए मानो तो गंगा जल है ना मानो तो बहता पानी, लमोवीत बटा लो। हाँ आ जाइए तो देखिए ये हमारी बीबी ये भी आ चुकी है, थोड़ा सा पीछे कर दीजिए इस कैमरा को, तो आप स्टिक को हाथ में ही तो पकड़ लीजिए, तो जाएंगे इधर, बता दीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों हम दोनों हाथ तो कीजिए, हाय कीजिए दोस्त अपने, बहुत सारी दोस्तों 18% से ऊपर महिलाएं देख रही हैं हम दोनों की वीडियो, दोस्तों मतलब आप समझ सकते हैं, बहुत प्यार करता हूँ मैं अपनी बीवी से। और भाई थोड़ी सी मेरी राय हो रही है, देखिए जो मेरी सिस्टर है मानसी, देख हाय मानसी को, छोटी बहन है अपनी, हाय कीजिए, देख लीजिए आपकी भाभी हाय कर रही है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ पोहे बनाना। मैंने इसमें राई डाल दी है, तेज पत्ता डाल दिए हैं, तो आप विश्वास कीजिए ऐसे पोहे अगर आपने बनाए तो आप भूल जाएंगी, हर व्यक्ति आपके पोहे की तारीफ करेगा, ये आपके भाई का वादा है। तो मैं कह सकता हूँ, थोड़ा पकड़िए इसको ऐसे पकड़िए, इतना थोड़ा लंबा मत पकड़िए, ऐसे पकड़िए, ठीक है। तो दोस्तों आपके चक्कर में दोस्तों मेरी तेज पत्ता बनने वाले थे लेकिन मैं थोड़ा सा समझ गया हूँ। देखिए दोस्तों प्याज है, हरी मिर्ची है और आलू है, और प्याज हरी मिर्ची आलू तीनों, ठीक है। और इनको थोड़ा अपन कितना भूनेंगे आप कह सकते हैं, कितना कह सकते हैं आप, इतना भुनेंगे इनको कि दोस्तों ये हमारी मतलब लाल ना हो जाती। देखिए आज मांग दोस्तों, इस मांग की आज क्या खासियत है,
इस बैंक की खासियत क्या है दोस्तों, बता सकते हैं आप? ये हमारी जीवन रेखा है और मुझे लंबा खींचना चाहती है, और दोस्तों मैं लंबा नहीं जाना चाहता। बहुत प्यार मिल रहा है आप सबका और बहुत ही ज्यादा कुसुम है, 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं दोस्तों मेरे। तो बताइए कुछ कहना चाहेंगे आप? 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जाइए मटर लाइए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी छोटी सिस्टर है मानसी जी, उनके लिए बता रहा हूँ कि राई डालिए, फिर तेज पत्ता डालिए और हरी मिर्ची डालिए, प्याज डालिए और आलू डालिए, और अब आ रही है मटर डालिए। पोहे का मतलब क्या है? देखिए सबके अपने अपने तरीके होते हैं बनाने के, लेकिन मैं तो सामान बहुत ज्यादा डालता हूँ। एक चीज भूल गया हूँ दोस्तों, अब पता नहीं सीखेंगे कि नहीं, इसमें मूंगफली दाने भी डालता हूँ मैं, मूंगफली दाने डालता हूँ, पता नहीं सीखेंगे कि नहीं दोस्तों, लेकिन आपको क्या है, आप तो सीख के, मतलब आप कब डालिएगा? आप जब डालिएगा जब तेल गर्म हो दोस्तों। बीवी कह रही है आराम से, लेकिन मैं क्या करूँ आप बताइए। मैं मेरी अपनी जुनूनी ओहो क्या कर रहा है, जुनूनी जो आवाज है मैं, और फाइनली दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारे एक दोस्त है, मित्र ही कह सकते हैं, सोनू गिल जी है, गिल जी उनका एक भतीजा है, मैं नाम भूल गया अभी, कल उन्होंने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया है दोस्तों। पहला मतलब कोई मुझे घर पे बुला रहा है मेरी वीडियो देखकर, ये कितने बड़े घर की बात है मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए। मैं बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद कहूंगा। और ये देखिए आप, आलू, प्याज, मूंगफली दानी और फाइनली ये मटर। पोहे क्यों नहीं अच्छे बनेंगे जब बना रहा है आपका बड़ा भाई, तो मैं कह सकता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं होटल का शौकीन भी हूँ, मतलब मेरे पास होटल नहीं है, लेकिन मैं अपनी एक पर्सनल बात आपको बता रहा हूँ। कभी अगर भविष्य में मेरे पास छोटा थोड़ा बहुत पैसा हो गया ना तो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं एक ठेला लगवाऊंगा वहाँ पर, मेरे हाथ की दाल चावल और कड़ी चावल जो मैं 10 रुपए प्लेट खिलाना चाहता हूँ लोगों को, और जिनके पास पैसे नहीं है मैं उनको फ्री में खिलाना चाहता हूँ, ये मेरी दिली इच्छा है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं देखो साफ कहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं उनको खिला सकूँ, ये मेरी दिली इच्छा है, इस पर मेरी इच्छा को कब पूरी करेगा। मैंने कई बार कोशिश की कि मेरा ठेला हो और ऐसी जगह हो जहाँ पब्लिक का, गरीब पब्लिक का बहुत ज़्यादा आना जाना हो। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों, 10 रुपए प्लेट उनको दाल चावल खिलाएंगे और कड़ी चावल खिलाऊंगा अपने हाथों से बनी हुई दोस्तों। ऐसा कार्य मैंने बहुत सोच रखा है, लेकिन क्या करूँ, इसीलिए जल्दी यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। और मुझे देखिए, मैं आपको साफ कहने वाला व्यक्ति हूँ, 44 साल की उम्र हो गई, ठीक है, बहुत से बहुत मैं बता सकता हूँ 7 या 8 साल और व्यक्ति जीता, 52 साल की उम्र। आज की जो हम जो भोजन कर रहे हैं, जो हवा ले रहे हैं, जो हम वायु प्रदूषण का परिणाम देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है ये बादलों का जब बरसना, और जब वो क्या कहते हैं इंग्लिश में कुछ कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ, मैं कह सकता हूँ दोस्तों, देखिए जैसे राजा महाराजा होते हैं
वैसे हमारी बीवी सो रही है, देख सकते हैं आप, सो रही है। और देख लीजिए मैं पोहे बना रहा हूँ और टाइम हो रहा है दोस्तों 10 बजने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कब बनेंगे कब खिलेंगे, और मुझे दोस्तों काम भी करना है। आप विश्वास कीजिए कल की मुझ पे सट है, तो मैं दो चार बना कर सोऊंगा दोस्तों। मुझे आजकल कम नींद आती है, मोबाइल पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मैं किसी को समझाता हूँ लेकिन मैं खुद की आदत से बताइए आप, मैं कह सकता हूँ। देख लीजिए आप, आलू सिकते हुए और 11 मिनट की वीडियो हो गई। 11 मिनट की वीडियो बहुत होती है। मैं इस पार्ट को यहीं खत्म करता हूँ और बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिएगा विद्या सुरेश ब्लॉग को, आपका अपना चैनल है दोस्तों, आपका अपना चैनल है और आपका छोटा भाई है। और कमेंट में बताइए क्या कमी रख रहा हूँ, कमी बहुत आसान हो सकती है, बहुत ज़्यादा कमियाँ हो सकती हैं, कोई हीरो नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन मैं बेलन जैसा लगता भी नहीं दोस्तों, मैं मजाक करते रहता हूँ। वैसे मैं कह सकता हूँ कि मैं स्मार्ट तो लगता हूँ यार, है इससे ज़्यादा स्मार्ट तो मैं लगता हूँ यार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों, ओके।